बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, एंड आई होप सो यू हैव डूइंग योर वर्क साइड बाय साइड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज ड्रा द ग्राफ बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए आपने ग्राफ को ड्रा करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्राफ ड्रा करना। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस की, जो उसको कट करेगी। ऐसे हम दिस इज ओरिजिन 0, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एक्स पॉजिटिव एंड वाई, दिस इज एक्स नेगेटिव एंड वाई के इन्वर्स में वाई नेगेटिव हम नीचे की तरफ लिखते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें एक्स में मिनिमम आपका ये 2, 7 और 1 है, और मिनिमम हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम जो प्लॉटिंग करते हैं 1 से लेकर मैक्सिमम यानी 7 है, तो हम 7 तक ले लेंगे। तो राइट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब नेगेटिव है नहीं, तो मैं नेगेटिव राइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप कर भी लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने क्यों राइट कर लिया है। मैं कर भी देती हूँ, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7, ठीक है जी। अब हम y देखें 0, 0 एंड 8, यानी कि 0 मिनिमम से लेकर मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, तो हम 8 तक ले लेते हैं। 0 ओरिजिन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। नीचे की तरफ आ जाए, हम वो नेगेटिव में ले लेंगे, -1, -2, -4, -5, -6, -7 एंड -8, ठीक है जी। अब हमारे जो प्लॉटिंग है, जो गिवन है ए बी सी, वो हम प्लॉट कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2 एंड 0, यानी एक्स हमारा 2 है और वाई हमारा 0 है, तो पॉजिटिव है दोनों। तो 2 हमारे पास एक्स का ये है और 0 हमारे पास ये है, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, दिस इज ए, एंड 0, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बी है, 7 एंड 0, एक्स सेवन हमारे पास ये है और 0 ये है, तो इसका मतलब है पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो इस जगह पे, दिस इज बी पॉइंट 7 एंड 0। नेक्स्ट है सी, एक्स है हमारे पास 1 और 8 हमारा वाई है, तो वाई हमारे पास ये 8 है, तो हम अब इसको हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आके ये यहाँ से इंक्रीज हुआ ये वाला, और यहाँ से ये वाला, तो यहाँ आके ये पॉइंट बन गया सी, सी बन गया हमारे पास 1 एंड 8, ठीक है, यानी कि दिस इज ए बी एंड सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन करते हैं ए टू बी, ये आपके पास ए टू बी, मैं थोड़ा सा डबलिंग करी ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए, ए टू बी, फिर हम ये देखें बी टू, मैं सी लेके जाती हूँ ये, और फिर ए टू सी, ए टू सी, ये हमारे पास
फाइनल शेप बन गई, ग्राफ ड्रा हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, बस थोड़े से ग्राफ को शो करने में, पॉइंट्स लेने में थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू, कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो एफ एक्स बाई टू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 4 से 12 के दरमियान एक्स है और 4 एंड 12 भी इंक्लूड है, एंड एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन अब जो आपका एक्स है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, यानी कि वो 4 से 12 तक है लेकिन वो हैं भी 2 के मल्टीपल्स, यानी कि जो 2 पे डिवाइड हो रहा होता है, जैसे 4, 6, 8 एंड 12। ठीक है, ये दोनों, ये जो है 4, 6, 8 एंड 12, ये इन इस इक्वेशन के बिटवीन भी आ रहे हैं और 2 के मल्टीपल्स भी हैं। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर आप इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करके दें एफ ऑफ एक्स की। तो स्टार्ट करते हैं, एज हमारे पास क्या है, 4 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 12, एंड जो एक्स है इज एन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे ही ये हमारे पास है कि इसके बिटवीन में है और एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। सो वैल्यूज ऑफ एक्स इन फंक्शन आर, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, वो जो हम इस फंक्शन में पुट करने से वो क्या होंगी देखते हैं। सबसे पहले हम, हमारे पास फंक्शन है वो हम राइट करते हैं, क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले इसमें 4 पुट करते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 जी। अब यहाँ से आपके x आएंगे क्योंकि वो कह रहे हैं x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 है और वो x फंक्शन को शो करें, यानी कि यहाँ से आपका x आएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ से अपने ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे, बनाने के बाद जब हमारे बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे तो हमारे डोमेन और रेंज, क्योंकि x हमारा डोमेन हो जाएगा और y हमारी रेंज हो जाएगी जी। दिस इज़ f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो सॉल्व करने से 4 को आ गया हमारे पास 2। ठीक है जी, यानी जब मैंने 4 पुट किया तो आंसर क्या आया, 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ से एक पेयर बन जाता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेपरेटली 4 एंड 2। ज़ाहिर है ये x था, ठीक है, 4 सॉल्व किया तो x तो आ गया, तो ये वाला आंसर हमारा y का हो जाएगा। अब इसी फंक्शन में f ऑफ x में x बाय 2 में अब किसके लिए करेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 के लिए हम क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू 4, 2, 12 है मल्टीपल और 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 जी। पुट कीजिए 6 6 बाय 2, कटिंग कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 3, तो सो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 6 और 3 आ गया, x हो गया 6 और ये 3, तो हम 6 एंड 3। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पुट करते हैं अगेन फंक्शन में f ऑफ x में, अब किसके लिए, 4x इज इक्वल टू 8 जी, 8 पुट कीजिए इज इक्वल टू 8 बाय 2, दिस इज़ एफ ऑफ 8 हमारे पास आ गया 4, कटिंग करके। ठीक है जी, कटिंग करके 4 आ गया, तो हमने 8 पुट किया तो 4 आ गया, 8 हो गया क्योंकि x का आंसर दिया हुआ है, तो हम 8 एंड 4। ठीक है, एक ये हो गया हमारे पास, अगर हम प्रीवियस देखें एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या पुट करना है, 10, तो 10 पुट करते हैं हम फंक्शन में ही, f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2, अब फॉर x इज इक्वल टू 10, f ऑफ x 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 2
दिस इज़ 5, तो एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5, तो अब 10 एंड 5, ये एक और आ गया। अब लास्ट वन है 12, क्योंकि हमें लेस देन इक्वल टू 12 दिया हुआ था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, अब फॉर एक्स इज इक्वल टू 12, एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 बाई 2, दिस इज 6, तो एफ ऑफ 12 हमारे पास क्या आ गया, 6, तो अब 12 एंड 6, एक ही। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, मैंने जो टिक मार्क किए थे उनको देन अब अगेन साथ इकट्ठा लिख लेते हैं। देन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, ब्रैकेट्स, ये हमारे पास रिलेशंस बन गए, 6, 3, 8, 4, 10, 5, मैंने टिक मार्क कर दिए थे इसीलिए, जो हमने ब्रैकेट्स बना ली, और 12, 6 कर ली ब्रैकेट्स। अब हम ये जो हमारे रिलेशन आ गया है उनमें से हम डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लें। अब इसमें से हम डोम निकालते हैं, डोम ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 4, 6, 8, 10, 12, तो राइट करते हैं 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है जी। सेकंड हमने रेंज निकालनी है, रेंज एफ ऑफ एक्स, रेंज हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, यानी 2, 3, 4, 5 एंड 6, वो राइट कर लेते हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्यों, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही हमारी डिमांड थी कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, यानी ये जो हमने ये सारा जो प्रोसीजर किया है, सबसे जो हमने वैल्यूज ली हैं वो किस लिए ली हैं, क्योंकि हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी, हमारे पास रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि रिलेशंस होते हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन राइट करते हैं और सेकेंड को हम रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ योर आंसर, हमारा चैप्टर नंबर 9 कम्प्लीट हो चुका है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चों का होमवर्क रह गया है, बच्चों वो भी आप लोग होमवर्क कंप्लीट कर लें, ताकि फिर जब आप लोग आएँ तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। नोट डाउन योर डायरी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, दीज 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।